हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं और आपका नाम समायोजन सूची में शामिल है, यानी कि आप अतिरिक्त शिक्षक के रूप में समायोजन सूची में दर्ज हैं, आपको आवश्यकता वाले विद्यालयों का चयन करना है, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है। आप कैसे अपना डिटेल्स चेक करें और उसमें कैसे वांछित परिवर्तन लाएं, ताकि आने वाले समय में जबकि समायोजन आपका किया जाए, आप आवश्यकता वाले विद्यालय में जाएं, तो किसी भी प्रकार की त्रुटि, किसी भी प्रकार के करेक्शन के लिए आपको किसी भी प्रकार का पश्चाताप दोस्तों न रहे, क्योंकि आपको 31 अगस्त वर्ष 2024 तक ही आपत्ति को दर्ज करना है। ऐसा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद का निर्देश है। खास तौर पे हम जनपद प्रतापगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने ऐसे ही निर्देश जारी किए हैं। आप अपने जनपद में आपत्ति से संबंधित जो भी मैटर है, वो अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पे जो भी सूचना है उसे ही ऑथेंटिक माने, लेकिन आप अपने डिटेल्स तो चेक कर ही सकते हैं, और अगर आपके डिटेल्स में किसी भी प्रकार का परिवर्तन वांछित है तो उसे तत्काल कर लें, वो बहुत ही ज़रूरी है। इसी वीडियो के लिए, इसी मार्गदर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े शिक्षक शिक्षिका भाई बहन ने निवेदन भी किया था कि सर आप जल्द से जल्द इससे संबंधित एक वीडियो बनाएं ताकि हमें मार्गदर्शन मिल सके। तो आपके मार्गदर्शन के लिए है, आप किस प्रकार से इस पोर्टल को अपने इस्तेमाल के लिए प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आपको पूरी की पूरी बातें दोस्तों बिल्कुल बताएंगे। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हम बात कर रहे हैं परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों के समायोजन की, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र की, जिले के भीतर अतिरिक्त शिक्षकों को आवश्यकता वाले विद्यालयों में भेजने का विभाग ने निर्देश जारी कर रखा है, लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि अगर आप समायोजन से प्रभावित हैं तो ही आप अपने ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकेंगे, तो ही आप अपने विवरण को चेक भी कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं आप कैसे इस पोर्टल को ओपन करके अपने विवरण को चेक करके जो भी करेक्शन है, रिक्वायर्ड है, उसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप मोबाइल धारक तो हैं ही, मोबाइल से ही आप काम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप गूगल सर्च इंजन पे इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र वेबसाइट जैसे लिखेंगे दोस्तों, इस तरीके से कुछ इंटरफेस करके आएगा, तो पहले ही इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र .upsdc.gov.in जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको इस पर क्लिक करने होंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको बिल्कुल ऐसे दोस्तों खुल करके आएगा ये पेज। जैसे ओपन होगा ऊपर आप देख पाएंगे, ऊपर डिपार्टमेंट की लॉगिन है, ये BSA साहब की लॉगिन है, ये कार्यालय की लॉगिन है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको जो लेना देना है वो टीचर लॉगिन पे है, समायोजन ऑब्लिक ट्रांसफ़र यहाँ पे मेंशन भी है। बिल्कुल आपको भटकने नहीं है, आप टीचर्स लॉगिन करिए, समायोजन ऑब्लिक ट्रांसफ़र के नाम से ये ऊपर आपको निर्देश मिलेगा, इसी पे आपको हिट करने हैं। इस पे जैसे ही आपने टच किए बिल्कुल दोस्तों ऐसे कुछ खुल करके आएगा, अंतः जनपदीय समायोजन हेतु ऑनलाइन प्रणाली, मानव संपदा कोड आपको भरना है। विभाग ने जो भी मानव संपदा आईडी आपको दे रखी है उसी आईडी का, उसी 6-डिजिट आईडी का आपको प्रयोग करना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देने हैं, जो मानव संपदा पोर्टल पे आप मोबाइल नंबर को दर्ज कराए हैं उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे देने हैं। फिर आप ये कैप्चा जैसे भरेंगे, जैसे स्मॉल पी कैपिटल एक्स, टू स्मॉल एक्स स्मॉल एस और ये कैपिटल पी, इसको जैसे यहाँ पे फिल करेंगे, जनरेट OTP पे आप जो है जैसे ही प्रेस करेंगे, आपके मानव संपदा पोर्टल का जो दर्ज मोबाइल नंबर है उस पे OTP आएगा। आप उस OTP को जैसे ही
फिल करते हैं, जैसे ही डालते हैं कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा आपके सामने आपत्ति के कारण, तो आपको पूरा डिटेल्स दिखेगा। उसके बाद आपका जो आपत्ति का कारण है आपके सामने, अगर आपका त्रुटिपूर्ण जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ आपका गलत है तो इसे आप सही कर लें, त्रुटिपूर्ण जनपद में नियुक्ति तिथि, आपकी जिस जनपद में जहां आप काम कर रहे हैं वहां पे आपका नियुक्ति डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी विसंगति या त्रुटि है उसे आप सही कर सकते हैं। त्रुटिपूर्ण काडर या पदनाम, आप हेड टीचर हैं आपकी जगह असिस्टेंट टीचर लिखा है उसे आप बदल सकते हैं, या शिक्षा मित्र लिखा है या अनुदेशक लिखा है, कुछ भी हो सकता है। आपका जो कार्डर है आप चेक कर लें, एटी है कि नहीं, एचटी है कि नहीं, इसे आप चेक कर लीजिए, जो भी आपका है उसे आपको ठीक करने हैं। त्रुटिपूर्ण कार्य क्षेत्र का प्रकार, तो जो भी आपका फील्ड है त्रुटिपूर्ण कार्यरत क्षेत्र का प्रकार इसको आप भर लें। त्रुटिपूर्ण कार्यरत विषय, जो भी आपका विषय है, आप साइंस के टीचर हैं तो आपको साइंस, आर्ट के टीचर हैं तो आर्ट, जो भी आपका शिक्षक का जो भी अगर विषय है उसको आपको अगर लगता है कि ये गलत है और हमारी एंट्री किसी रूप में हुई है ऑलरेडी, उसे आप चेंज कर सकते हैं। त्रुटिपूर्ण कार्यरत ब्लॉक, अगर आपका विकासखंड गलत है तो आप इसको बिल्कुल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इन छह बिंदुओं के आलोक में आपको परिवर्तन करने हैं। उसके बाद आ रहा है अदर रीज़न। मान लीजिए कोई ये ऊपर के कोई रीज़न आपके काम के नहीं है, कुछ आपका और गलत है, तो उस रीज़न को आप यहाँ पे 200 शब्दों में दोस्तों लिख भी सकते हैं, 200 शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं 200 वर्ड्स में। फिर बाद में यहाँ पे आपको दोस्तों इसके पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है मैं शपथपूर्वक अभिकथन करता करती हूँ कि मैंने दिए गए निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लिया, मुझे निर्देशों में दी गई समस्त शर्तें मान्य, यदि जांच उपरांत कोई विवरण त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण असत्य पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार होगा। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की गलती आप क्यों छोड़ेंगे, आपको बिल्कुल जब आप यहाँ पे आप सर्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने सारी चीज़ें थॉरली स्टडी करके तभी चेंज किए हैं, तो आप पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रहे हैं। ऐसा तभी करें जब सारी चीज़ें सही से कर डालें। अच्छा, अतः महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि अंतर जनपदीय समायोजन हेतु सरप्लस अध्यापक या अध्यापिकाओं की सूची पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई, जिसकी सूची संलग्न कर आप लोगों को इस आशय से प्रेषित की जा रही कि संबंधित शिक्षकों को सूचित करना सुनिश्चित करें। सरप्लस शिक्षक इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर .upsdc.gov.in पर अपना EHRMS कोड अंकित कर देख सकते हैं। उक्त पोर्टल पर केवल सरप्लस शिक्षक ही अपना विवरण देख पाएंगे, अन्य शिक्षक नहीं। ऐसा नहीं जिज्ञासावश कोई भी विजिट करके अपना डिटेल्स चेक कर लेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगर आपका नाम सरप्लस शिक्षक की सूची में है तो ही आप कोई आवेदन करने हैं, अपना जो भी कार्डर है, जो अपना आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसको आपको चेक करके अगर कोई कमी हो, विसंगति हो, गलती हो तो आप बिल्कुल उसे ठीक कर लें। उक्त के संबंध में यदि किसी शिक्षक को आपत्ति देना है तो उक्त पोर्टल पर ही ऑनलाइन आपत्ति दिनांक 31 अगस्त 2024 तक दे सकते हैं। उक्त तिथि के उपरांत आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा, आज्ञा से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। ध्यातव्य है कि उक्त लिंक से पोर्टल पर केवल सरप्लस शिक्षक ही लॉगिन कर अपना विवरण देख या चेक कर पाएंगे, अन्य नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल पोर्टल ओपन है, आप सरप्लस शिक्षक के दायरे या सूची में आते हैं तो आप बिल्कुल अपना विवरण चेक कर लें। किसी भी प्रकार के अन्य सहयोग के लिए कमेंट करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, जल्द समायोजन या इससे संबंधित अन्य लेटेस्ट अपडेट के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।